हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम हरियाली चिकन बनाने वाले हैं, जो कि हम कोयले पर इसको ग्रिल करेंगे। आप चाहो तो ओटीजी पर या फिर तवे पर भी बना सकते हो। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर ले रहे हैं चिकन। मैंने यहाँ पर तकरीबन 2.5 किलो लिया है। ये विथ बोन है, आप पीसेस को अपने हिसाब से कट करवा लीजिए। और यहाँ पर सबसे पहले हम लेंगे 2 मुट्ठी भर के धनिया, 2 मुट्ठी भर के पुदीना और 2 नींबू और 4 से 5 हरी मिर्चें, या फिर आप जितना स्पाइसी खाना पसंद करते हो उतना। और यहाँ पर हम मसाले ले लेंगे। सबसे पहले हम ले रहे हैं जिंजर एंड गार्लिक का पेस्ट, और फिर लेंगे धनिया पाउडर 2 टेबलस्पून्स, और ये है ज़ीरा पाउडर 1.5 टीस्पून्स, 2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून चाट मसाला, और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लीजिए, थोड़ी सी इलायची का पाउडर, और यहाँ पर हंग कर्ड लिया है मैंने, और ये सरसों का तेल है, या फिर आप नॉर्मल ऑयल भी यूज़ कर सकते हो। इन पीसेस को मैंने ना बहुत ज़्यादा बड़े कटवाए हैं या फिर ना बहुत ज़्यादा छोटे, एकदम मीडियम साइज के पीसेस हैं, जिससे आपके स्क्यूअर्स में ये आराम से लग जाएंगे। और सबसे पहले हम यहाँ पर डाल रहे हैं नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दें, और फिर डाल देंगे नींबू यानी कि लेमन जूस। मैंने यहाँ पर 2 लेमन्स के सारा जूस को स्क्वीज़ कर लिया है। सबसे पहले नमक और नींबू इसलिए डाला जाता है ताकि अंदर तक नमक और खट्टापन चला जाए और चिकन टेंडराइज हो जाए, यानी कि अच्छे से गलना शुरू हो जाएगा। इन सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लीजिए, और इसको साइड पर रख देंगे 10 मिनट के लिए। और यहाँ पर अब दूसरी तरफ हम लेंगे मिक्सिंग का जार, और इसमें धनिया पुदीना और हरी मिर्चें, इन तीनों चीज़ों को डाल देंगे और पीस लेंगे। पानी हम कोशिश करेंगे कि कम से कम पानी डालकर इसको पीसें, यानी कि बहुत कम पानी डालेंगे, और इसको मिक्सिंग जार में अच्छे से घुमा लेंगे। ये देखिए, ये हमने अच्छे से पीस कर रख लिया है, ये एक पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। इसको साइड पर रख लीजिए, और ये 10 मिनट हो गए हैं। अब हम इसके अंदर जिंजर एंड गार्लिक का पेस्ट डालेंगे। मैंने 2 to 3 tablespoons ऑफ जिंजर एंड गार्लिक का पेस्ट इस्तेमाल किया है, और फिर डाल देंगे हंकड़ यानी कि दही को मैंने एक मसलिन क्लॉथ में अच्छे से आधे घंटे के लिए बांध कर रख दिया था, ताकि सारा एक्स्ट्रा पानी उसका निकल जाए, या फिर आप कोई भी कॉटन के कपड़े में डालकर रख लीजिए, उसका सारा एक्सेस पानी जब निकल जाएगा तब हम दही को डाल देंगे। ये तकरीबन 1 कप हन कर्ड है, और फिर डाल दिया है हमने यहाँ पर धनिया पाउडर, और ये ज़ीरा पाउडर है, और फिर डालेंगे हम चाट मसाला, ये 1 टीस्पून चाट मसाला है, थोड़ा टैंगी टेस्ट देने के लिए, चटपटा टेस्ट देने के लिए, और फिर डालेंगे काली मिर्च का पाउडर। मैंने 2 टीस्पून्स ऑफ काली मिर्च का पाउडर डाला है, या फिर आप जितना स्पाइसी खाना पसंद करते हो उतना डाल सकते हो। 1 टीस्पून गरम मसाला, और फिर डालेंगे इलायची का पाउडर, ये 1/4 टीस्पून इलायची का पाउडर है, इससे एक अच्छी खुशबू आएगी और ये टेस्ट भी बहुत अच्छा देती है, तो 1/4 टीस्पून ही डालिए, ज़्यादा मत डालिए। और फिर हम ये सारा पेस्ट इसके अंदर डाल देंगे, धनिया पुदीना और हरी मिर्च का पेस्ट और सरसों का तेल। मैंने 2 to 3 tablespoons सरसों का तेल डाला है अंदाजन से, आप मेजर करके भी डाल सकते हो। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि सारा मसाला चिकन के अंदर तक अच्छे से घुस जाए और सारे मसाले अंदर तक फ्लेवर दें चिकन के। ये मिक्स होकर तैयार है। अब मैं यहाँ पर इसको एक रेस्टोरेंट स्टाइल टेस्ट देने के लिए, या फिर लुक देने के लिए, यहाँ पर मैं ग्रीन फूड कलर डाल रही हूँ। 1/4 टीस्पून फूड कलर को मैंने पानी में मिक्स करके रख लिया है, और थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ। ज़्यादा मत डालिए, ज़्यादा पानी भी मत डालिए, वरना
ये लिक्विड ही हो जाएगा, तो मैंने बस बहुत थोड़े पानी में 1/4 टीस्पून ग्रीन कलर मिक्स करके अच्छे से मिक्स कर दिया है। ये हमने अच्छे से इसको मैरिनेट कर लिया है 2 से 3 घंटे के लिए। अब मैरिनेशन होने के बाद हम इन स्क्यूअर्स के ऊपर इन चिकन के पीसेस को लगा लेंगे और कोयले पर रखकर धीरे धीरे से पलटते रहेंगे और सेक लेंगे। ये देखिए 5 से 10 मिनट के अंदर ये अच्छे से ग्रिल हो गए हैं। मैंने यहाँ पर मिंट चटनी, मायोनेज और सलाद के साथ सर्व किया है। आप ऐसे भी खा सकते हो, जैसे चाहे वैसे पसंद से खा सकते हो। अगर आप इसको तवे पर बनाना चाहते हो तो बोनलेस चिकन लीजिए और पीसेस को बहुत छोटे छोटे कटवा कर तवे पर बना लीजिए, वैसे भी अच्छा लगता है। और अगर आप इसको डीप फ्राई करना चाहते हो तो आप इसको फ्राई करने से पहले थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर में डालकर अच्छे से मिक्स कर लीजिए और फिर फ्राई करिए डीप फ्राई, वो भी बहुत ही मज़े के बनते हैं। इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करिए, आपके घर में मज़े की बनेगी और सभी लोग पसंद से खाएंगे। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस रेसिपी को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। और मेरे चैनल होममेकर नगमा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अच्छा, तो फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।